हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी सूजी की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसको खाकर आपका पेट भी भर जाएगा और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए बनाकर की रेडी कर लेते हैं सूजी का उपमा। मेरे घर में तो इसे बहुत ही पसंद से खाते हैं, तो आप भी इस तरीके से बना कर के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेंगे एक कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने सूजी बारीक वाली ली है, आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं। तो अब इसे बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम लोग तेल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल यूज़ किया है, आप खाने के लिए जो तेल यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग इसमें सूजी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से तेल में भूनेंगे और सूजी को बिल्कुल सुनहरा होने तक अच्छी तरीके से भूनेंगे, ताकि सूजी का थोड़ा जो कच्चापन है वो निकल जाए और इससे हमारा नाश्ता बहुत ही भरभरा और टेस्टी बनकर के रेडी होता है। तो यहाँ पे मैं लो से मीडियम फ्लेम पे करते हुए सूजी को अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी अच्छी तरीके से भून चुका है और कलर भी बहुत ही प्यारा सा आ चुका है, सुनहरे कलर का। अब हम इसे एक साइड प्लेट में निकाल लेंगे। साइड प्लेट में निकालने के बाद से सेम इसी कढ़ाई में हम लोग तेल ऐड करेंगे। उसके बाद से इसमें मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से तेल में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ काजू भी डाल रही हूँ, इससे बहुत ही टेस्टी लगता है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से तेल में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद से अब इसे एक साइड कटोरी में निकाल के रख लेंगे। उसके बाद से उसी तेल में हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा राई दाना और थोड़ा सा चना का दाल। अब इसे भी तेल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद से हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तो आप अपने तरीके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद से अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी करी पत्ते। करी पत्ता तो हर नाश्ते का स्वाद बढ़ा देता है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद से इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को भी सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई गाजर। वैसे भी अब ठंडियाँ आ रही है, तो मार्केट में बड़ी आसानी से गाजर भी मिल जाते हैं, और हमारे नाश्ते में जितनी हरी सब्जियाँ हों हमारे सेहत के लिए उतना ही हेल्दी होता है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। अब इसे भी अच्छी तरीके से सारी सब्जियों को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये जैसे यहाँ पे सब्जियाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर तो आजकल मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाती है, आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक घिस करके अदरक। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अदरक और लहसुन से, लेकिन यहाँ पे मैं बस अदरक का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 3 कप पानी। जिस कप से मैंने सूजी लिया था उसी कप से 3 कप पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद से इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद से इसे ढक कर के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद से इसमें एक अच्छी सी बॉयल आ चुकी है और सब्जियाँ भी लगभग बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपने फ्राई की हुई सूजी। सूजी ऐड करने के बाद से अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार ऐसे मिक्स करेंगे, ताकि बीच में बिल्कुल भी लम्स ना पड़ जाए। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। उसके बाद से हम लोग इसमें फ्राई की हुई मूंगफली के दाने और काजू ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे लो से मीडियम फ्लेम पर रखते हुए अच्छी तरीके से पकाएंगे। थोड़ी देर में ही पानी बिल्कुल बढ़िया तरीके से सूजी में अब्सॉर्ब हो जाएगी। ये लीजिए, यहाँ पे हमारा उपमा बनकर के रेडी है। अब बस इसे ढक करके कुछ देर के लिए रख देंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद से यहाँ पे हमारा उपमा बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर के रेडी है। अब बस हम लोग इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी सब्जियाँ
कितने अच्छे तरीके से खिल के आई है और दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है। मैं तो अपने घर पे इसी तरीके से बनाती हूँ, सबको बहुत ही पसंद आता है। तो एक बार आप भी इस तरीके से बना करके ज़रूर ट्राई करना। तो अगर अभी तक आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देख रहे हैं ना दिखने में कितनी टेस्टी और मज़ेदार लग रही है, तो आप भी बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, तो इंस्पायर कीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय।